हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज। तो आइए, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बीन्स, कलीफ्लावर, शिमला मिर्च, आलू, गाजर और पनीर लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर और 2 ग्रीन चिली ली है, जिसका मुझे प्यूरे बनाना है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज में 10-12 काजू ऐड करके उसका एक पेस्ट तैयार किया है। तो सबसे पहले हमें इन सारी वेजीज़ को फ्राई करना है। आप सारी सब्जियों को एक पैन में डालकर कुछ 5-7 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। अब 5 मिनट बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे और अगेन इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर हम इसी सेम पैन में पनीर भी फ्राई करेंगे और इन सारी सब्जियों और पनीर को एक प्लेट में साइड में रख देंगे। अब अगेन सेम पैन में 4 बड़े चम्मच तेल डालकर उसमें 1 तेज़पत्ता और आधी बड़ी इलायची डालकर इसका अरोमा आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। देन उसमें हम काजू और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डालकर पिंक होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट भूनने के बाद जब आपका प्याज पिंकिश हो जाए तो आप उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करिए और फिर से इसे इसका कच्चापन ख़त्म होने तक पकाना है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसे इसका ऑयल रिलीज़ होने तक पकाएंगे। 2-3 मिनट इसे पकाने के बाद अब हम इसमें ग्रीन चिली और टमाटर का जो प्यूरे हमने बनाया था उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से कुछ 5 मिनट के लिए ढक्कन डालकर इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। एज़ यू कैन सी, इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब आप इसमें सारी वेजीज ऐड कर दीजिए। पनीर इसमें हम आखिरी में ऐड करेंगे। अब इसमें सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन डालकर कुछ 8 से 10 मिनट के लिए सब्जियों के पूरा पकने तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम सब्ज़ी को चेक करेंगे। अगर सब्ज़ी पूरी तरह अच्छे से पक चुकी हैं तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब इन सबको एक अच्छा सा स्टर दीजिए, एक अच्छे से मिलाइए। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे मलाई या क्रीम और उसके साथ ही साथ आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर और इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसे फिर से कुछ 2-3 मिनट के लिए पका लीजिए। लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनके तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी भी टाइप की चपाती के साथ या ज़ीरा राइस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।